पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है और जनता त्राही त्राही कर रही है। पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत करीब 30 रुपए है, यानी करीब 350 रुपए दर्जन। चीनी 104 रुपए प्रति किलो बिक रही है। गेहूं 60 रुपए प्रति किलो है। अदरक 1000 रुपए प्रति किलो है। मतलब साफ है कि इस ठंड में गरीब पाकिस्तानी ना तो अंडा खा सकते हैं, ना ही चाय पी सकते हैं। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तो नया पाकिस्तान का नारा दे रहे थे। उनका नया पाकिस्तान यही है जहां गरीब दाने दाने को तरस रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही बदहाल थी। कोरोना और पाकिस्तान सरकार के आतंकवाद प्रेम ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब महंगाई इस स्तर पर पहुंच गई है कि आम पाकिस्तानियों का जीवन दूभर हो गया है। पाकिस्तान की आबादी का 25% से ज्यादा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारता है। ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है। इमरान सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रही है। अंडे के मामले में भी यही हो रहा है। कम सप्लाई और ज्यादा मांग के चलते अंडे के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। और सिर्फ अंडा ही क्यों, पाकिस्तान में तो अनाज की भी किल्लत होने लगी है। प्याज की भी किल्लत है। यहाँ तक कि खाना बनाने वाली गैस का संकट भी पैदा हो गया है। पाकिस्तान में खाना बनाने वाली गैस की सप्लाई करने वाली कंपनी के मुताबिक हर रोज 50 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इमरान सरकार ने समय से गैस नहीं खरीदी, इसीलिए ये संकट पैदा हुआ है। महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तानियों की नई चिंता अब ये है कि नए साल में खाना कैसे पकाएंगे। इन सबसे बेखबर इमरान खान अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार का दावा करते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार का फायदा अगर जनता तक नहीं पहुंचता है तो फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर क्या फायदा। बात तो तब होती जब इमरान खान की पीठ पाकिस्तान की जनता थपथपाती, लेकिन मामला पूरा ही उल्टा है। जनता त्रस्त है और इमरान खान मस्त हैं।